गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो अपने पास जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वी से डिनोट करते थे, के क्यू अपॉन में आर। ये जो फॉर्मूला था अपने पास, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज किसके कारण था? ये एक पॉइंट चार्ज के कारण। अब जो हमने निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम में क्या है अपने पास? टू और मोर चार्ज पार्टिकल आपको एक सिस्टम के अंदर मिलते हैं। तो अपने पास चार्ज पार्टिकल है क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर अप टू क्यू एन। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है अपने पास? चार्ज पार्टिकल है क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू फाइव अप टू क्यू एन। इन चार्ज पार्टिकल के कारण हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है? आपने स्पेसिफिक पॉइंट जो है आपके पास पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे क्या बताना है आपने? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या फाइंड आउट करना है हमें? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पॉइंट पे आपने नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पी पॉइंट से क्यू वन की जो डिस्टेंस है, क्यू वन की, ये है डियर स्टूडेंट आर वन, ये है डियर स्टूडेंट आर टू, और क्यू थ्री से क्या है? आर थ्री। फोर से क्या है? आर फोर, और अब एन से क्या है? आर एन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी वन, क्यू वन के कारण कितना है अपने पास? वी वन के क्यू क्यू वन और अपॉन में क्या आ गया? आर वन। ये किसके कारण है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन। सिमिलरली आपके पास क्या है? वी टू के क्यू टू आर टू। वी थ्री कितना है अपने पास? के क्यू थ्री आर थ्री अप टू वी एन, के क्यू एन अपॉन में आर एन। हमें फाइंड आउट क्या करना है? देखो पी पॉइंट पे क्यू टू के कारण कितना पोटेंशियल है? वी टू। थ्री के कारण कितना है? वी थ्री। फोर के कारण क्या है? वी फोर। और एन के कारण क्या है? वी एन। तो हमें नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इन सिस्टम। इस सिस्टम में जो पी पॉइंट है उस पे आपने क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टोटल जो पोटेंशियल है अपने पास, वी इक्वल वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर अप टू वी एन। तो इन सभी में, वी वन में, वी टू में, वी थ्री में, वी फोर और वी एन में क्या कॉमन है? के। इसमें भी के है, इसमें भी, सभी में क्या है? के। तो के क्या आ गया अपने पास? कॉमन आ गया। तो क्या आ गया अपने पास? वी वन क्यू वन अपॉन में आर वन, वी टू क्यू टू अपॉन में आर टू, वी थ्री क्यू थ्री अपॉन में आर थ्री अप टू
क्या हो एन अपॉन में आर एन। तो जर्नल फॉर्मूला जो है अपने पास, फॉर्मूला जर्नल फॉर्मूला जो आएगा अपने पास, वी इक्वल के समेशन क्यू अपॉन में आर। कहाँ से स्टार्ट है? वन से, और कहाँ तक है? एन तक। तो यहाँ जर्नल वैल्यू लेते हैं आई इक्वल वन। कहाँ से स्टार्ट है? वन से और अप टू एन। आई और आर कहाँ स्टार्ट है? आर वन आर टू, ये भी कहाँ से है? वन से। तो क्या हो गया? क्या हो आई अपॉन में आर आई। ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या पढ़ते हैं अपन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम में आपको बताया था मैंने, सिस्टम में क्या है? टू और मोर पार्टिकल या टू और मोर चार्ज पार्टिकल आपको क्या मिलते हैं? एक सिस्टम के अंदर मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में करते हैं हम टू चार्ज के कारण। कितने चार्ज है अपने पास? टू चार्ज। सिस्टम में कितने हैं? टू चार्ज है अपने पास। क्या है? क्या वन और दूसरा है अपने पास यहां पे क्या टू। क्लियर? ये जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है, आर वन टू, कौन सी है? आर वन टू। तो वर्क डन जो हुआ अपने पास, फर्स्ट वर्क डन मान लेते हैं वन के कारण, तो अपने पास क्या हुआ? के क्या वन क्या टू अपॉन में आर वन टू। ये क्या आ गया अपने पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी को क्या लिखते हैं हम? यू से, यू वन आ गया अपने पास। ये क्या अपने पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू पॉइंट चार्ज, टू पॉइंट चार्ज किसके कारण है? दो पॉइंट चार्ज के कारण। यदि हम थ्री चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं हम? थ्री चार्ज। स्टार्टिंग में क्या थे अपने पास? दो थे अपने पास। क्या था? क्या वन, इधर क्या था? क्या टू, और इधर क्या है अपने पास? क्या थ्री। तो क्या थ्री पे इसकी जो डिस्टेंस है क्या हो गई? आर वन थ्री। इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? आर वन टू। और इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? आर टू थ्री। अब क्या वन के कारण इस पे जो पोटेंशियल है वो कितना था अपने पास? पोटेंशियल था अपने पास के क्या वन क्या टू अपॉन में आर वन टू। ये वर्क डन था डब्लू वन। डब्लू टू क्या आ गया अपने पास? डब्लू टू क्या है? जो थर्ड जो चार्ज पार्टिकल लेके आए हम क्या थ्री, इस पे टोटल वर्क डन कितना लगा? टोटल वर्क डन किसके कारण लगता है इसमें? क्या वन के कारण है और क्या टू के कारण है। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या थ्री पे, वो क्या वन के कारण भी और क्या टू के कारण भी। तो क्या आ गया अपने पास? पहले इसके कारण देखते हम, के क्या वन
क्या थ्री अपॉन में आर वन थ्री, और क्या टू के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें जो वर्क डन हुआ वो है क्या के क्या टू क्या थ्री अपॉन में आर टू थ्री। जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ड्यू टू थ्री पॉइंट चार्ज मतलब थ्री चार्ज है अपने पास एक सिस्टम में, तो उसके कारण जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है अपने पास यू डब्ल्यू वन प्लस में डब्ल्यू टू, तो क्या आ गया अपने पास के क्या वन क्या टू अपॉन में आर वन टू। ये क्या आ गया अपने पास के क्या वन क्या थ्री अपॉन में आर वन थ्री। फिर क्या आ गया अपने पास के क्या टू क्या थ्री अपॉन में आर टू थ्री। ये क्या आ गई अपने पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट फोर्स चार्ज, क्या अपने पास फोर्स चार्ज है, कितने चार्ज है अपने पास फोर। फर्स्ट है क्या वन क्या टू क्या थ्री और ये हो गया अपने पास क्या फोर। तो वर्क डन डब्ल्यू वन क्या आया था अपने पास, डब्ल्यू वन था अपने पास के क्या वन क्या टू अपॉन में आर वन टू, डब्ल्यू वन ये था अपने पास। और डब्ल्यू थ्री सॉरी डब्ल्यू टू सॉरी डब्ल्यू टू क्या आ गया था अपने पास के क्या वन क्या थ्री अपॉन में आर वन थ्री प्लस के क्या टू क्या थ्री अपॉन में आर टू थ्री। अब अपने पास डब्लू थ्री जो वर्क डन है डब्लू थ्री वो किस पे निकालना है आपने, डब्लू थ्री इस क्या फोर पे निकालना है, किस पे निकालना है क्या फोर पे। तो क्या वन के कारण जो इसमें जो डिस्टेंस है वो हो गई जो पोजीशन है आर वन फोर, थ्री के कारण है आर वन सॉरी आर थ्री फोर, और टू के कारण क्या है आर टू फोर। तो डब्ल्यू थ्री जो आ गया अपने पास क्या आ गया के किस पे निकाल रहे हैं क्या फोर पे, तो क्या वन क्या फोर और आर वन फोर प्लस टू के कारण देखो आप के क्या टू क्या फोर अपॉन में आर टू फोर। फिर क्या आ गया अपने पास के क्या थ्री क्या फोर अपॉन में आर थ्री फोर। क्लियर है, तो टोटल जो वर्क डन है अपने पास टोटल जो वर्क डन टोटल डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू प्लस में डब्ल्यू थ्री, ये किसके कारण आ गया अपने पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आई अपने पास वो आई है या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर पॉइंट चार्ज फोर पॉइंट चार्ज। तो इस प्रकार हम फिफ्थ के लिए निकाल सकते हैं, सिक्स्थ के लिए निकाल सकते हैं, और nth चार्ज पार्टिकल के कारण क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्टिंग में देखो जब तक क्या टू नहीं था यहाँ इस पॉइंट पे क्या टू था इनफाइनाइट,
तो वर्क डन था जीरो। जैसे ही हम क्यू टू इसके नियर बाय लेके आए तो वर्क डन आ गया के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर वन टू। फिर क्या किया हमने, दो एक और चार्ज पार्टिकल लेके आए क्यू थ्री, तो थ्री चार्ज के कारण आ गए अपने पास जो सिस्टम है। फिर क्या लेके आए, एक और लेके आए क्यू फोर। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, एक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।